11 बज रहे हैं अनीता, 11। और तुम्हारा हीरो कहाँ है? वो मैंने प्रफुल्ल को भेजा, आता ही होगा। बैंड रिहर्सल है, रात को शो है, और हीरो का पति टू मच। अनीता जी, हीरो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन होने वाला है। व्हाट? ओह गॉड, ऑपरेशन तो अब पब्लिक हमारा करेगी। इससे पहले के थिएटर की सीटें टूटे तो कैंसिल कर दो और पब्लिक का पैसा वापस करने का इंतजाम करो। सर थोड़ी देर रुकिए ना। सर क्या करूंगा, रुक कर सर वो मैं क्या कर सकता हूँ बगैर हीरो के? क्या करूंगा मैं? अब तुम क्या समझती हो मैं हीरो बन सकता हूँ? नहीं सर, कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे सर। क्या इंतजाम होगा? जाओ, कर सकती हो तो करो, लेके आओ कोई हीरो। सर मैं हीरो। सर राजू, राजू राजू जरा यहाँ आना तो। हाँ कम कम। ए वो मैं देखो अनीता, जो तुम सोच रही हो वो मैं सर, राजू युवराज का रोल कर। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं आता सर। चरण से तो युवराज लगते हो, लेकिन एक्टिंग कर लोगे? नहीं सर, बोलने को नहीं आता। अरे मुझे नहीं आता सर, इसे युवराज का रोल करने पड़ी। देखो तुम्हें मैं तुम्हारा करेक्टर समझा देता हूँ। अरे किस मुसीबत में डाल रही है? तुम्हारी असलियत ये है कि तुम एक रियासत के युवराज हो। सच्चे प्यार की तलाश में तुम ताज तख्त छोड़कर राजमहलों से यहां भाग आए हो। यहां तुम अपनी असलियत किसी को बताना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? इसलिए कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो प्यार मिले जो तुम्हें युवराज समझकर दिया जाए। तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए, ऐसा प्यार जो एक साधारण आदमी के साथ किया जाए, एक आम आदमी के साथ किया जाए, उसके रुतबे या उसकी दौलत से नहीं। सर हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि किसी साधारण आदमी को ही प्यार मिलता है, किसी युवराज को नहीं मिलता? क्या उस युवराज के सीने में दिल नहीं होता? ए मिस्टर, तुम्हारी शक्ल की जरा सी तारीफ कर दी तो तुम आसमान में उड़ने लग गए। प्लीज रिलैक्स। अरे अभी एक्टिंग का चांस नहीं मिला तुम्हें और तुम हम ही को सजेशन देने लगे हो। ये लो, लाइन याद करो, एक पार्ट इसे दे दो। ये। कमाल है यार, यहां से याद कर लेना। याद करना पड़ेगा इसे। हाँ स्टार्ट। नाम से क्या फर्क पड़ता है? नैना जी, नैना जी नहीं, नैना नैना नैना, देखकर नहीं पढ़ सकते तुम? ये तुम्हारी पहली मुलाकात नहीं, इससे पहले भी तुम उसे मिल चुके हो और तुम उसे मोहब्बत करने लगे हो। नैना का करेक्टर यह है कि वो झूठ से, धोखे से नफरत करती है, और तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम उसे अपनी असलियत बता नहीं सकते। समझ में आई बात? जी। गुड, स्टार्ट। नाम से क्या फर्क पड़ता है नैना? दोस्ती शक्ल और नाम की मोहताज नहीं। दोस्ती तो दिलों का जज्बा है, दिल जिसे चाहता है ज्यादा से ज्यादा उसके नजदीक रहना चाहता है। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारे बिना ये जिंदगी उदास लगती है, सारा जहां तुम्हारे बिना सुना सुना लगता है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। वादा करो कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। वादा मांगे तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं राजू नहीं हूं, मैं सचमुच का युवराज हूं। रामगढ़ स्टेट के महाराजा छत्रपाल सिंह मेरे पिता हैं। मैं महलों का बंधन तोड़ के सच्ची मोहब्बत की तलाश में यहां आया हूं, और वो मोहब्बत मुझे तुम में मिली है। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूं। अरे काट काट, मुझसे ये डायलॉग वायलॉग याद नहीं होता। मैं ये एक्टिंग नहीं कर सकता। राजू काम नहीं। अरे अनीता रोको, इसे रोको। राजू सुनो तो, मेरे राजू बात ही नहीं है। राजू सुनो, नहीं, तो। नहीं 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 राजू प्लीज तुम ही बताओ, अगर ये शो नहीं हुआ तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे बाबा, अगर स्टेज पे मैं कुछ का कुछ बोल गया तो। अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे अनीता, अगर तुम्हें पता चला कि ये प्ले का जो कैरेक्टर है वो सचमुच का युवराज है और वो तुमसे अपनी असलियत छुपा रहा है तो मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? नहीं नहीं ऐसी, तुम पहले ये बताओ कि तुम ये शो करोगे या नहीं। अनीता मुझसे ये नहीं होगा, आई कैन नॉट। ठीक है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी राजू। अनीता आप रूठ रही हो।
नहीं राजू, ना मिले कभी मत बोलना। उस दिन तुमने मुझसे एक वादा लिया था, आज तुम वादा करो कुछ भी हो जाए तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। ये साथ जीवन भर का साथ है, मैं वादा करती हूं जिंदगी भर साथ निभाऊंगी, प्रॉमिस। अरे ये अच्छा ये बताओ भी तुम्हें कौन सा पसंद? अच्छा भाई इसके पैसे ले लो। शो चले। See you guys. Thank you. Bye. See you. जो मेरे और अनीता के बीच आएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारो इसे, मारो, हड्डियां तोड़ दो सारे की, और मारो, मारो साले को, सर फोड़ दो साले की, मारो। राजू अरे किधर गए पुत्र, थले उतर आए? ओए किसी मर्द की औलाद है तो लड़, इस मैदान में राजू है या तू है? चल पासे हो, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, जा पीछे, चल लो। तुझ में और एक बेजान जानवर में कोई फर्क नहीं है जिमी, राजू एक बेजान जानवर पर हाथ नहीं उठाता है। मेरा बेटा होकर मार खा के आया है तू? अरे भगवान ने भी दिल दिमाग से नीचे बनाया है, इसलिए दिल से जज्बाती होकर उसे कभी दिमाग पर हावी मत होने देना, और आज की ये मार और आज की ये जिल्लत कभी नहीं भूलना, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत होगी और यही तुम्हारी जीत। वकील साहब से मिल लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनीता जी, अपने मरीजों का हाल देखने से पहले कुछ मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिल लीजिएगा। अनीता जी ये आपके लिए कोर्ट का ऑर्डर है। जिमी ये क्या है? जी हाँ अनीता जी, ये सारी जगह मेरी है। अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो कानूनी तौर से मैं अपनी इस जगह पर कब्जा कर सकता हूं और तुम्हारे इन तमाम मरीजों को बाहर फिकवा सकता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता? तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं अनीता। क्या कर सकते हो तुम? इन मरीजों को बाहर निकाल के फेंक दोगे? ये मरीज जो अपने नई जिंदगी का सपना देख रहे हैं उन्हें तोड़ दोगे?
मेरे इन सपनों को तोड़ सकते हो तुम? हाँ हाँ तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ मैं। जैसे जैसे तुम्हारा ये सपना है ना, वैसे मेरा भी एक सपना है। कितने अरमानों से मैंने तुम्हारे लिए सुहाग का जोड़ा खरीदा था। सुनो, अगर मेरा सपना टूट सकता है तो मैं किसी और का सपना साकार नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। तुम अनीता को 5 लाख रुपए नहीं दोगे सेठी? लेकिन नारायण साहब, अनीता मेरी इकलौती बेटी है। जी, जिमी भी मेरा इकलौता बेटा है। उस दिन इसके प्यार ने उसे बचा लिया। अब देखना यह है कि तुम अनीता को कितना प्यार करते हो। तुम उसे फर्श पे गिराना चाहते हो या कालीन पर? नहीं नहीं, नारायण साहब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बात समझ गया। मैं उसे 5 लाख रुपए नहीं दूंगा। सर समझे कि नहीं समझे? आज का यह भयानक सपना कल की हकीकत भी बन सकता है। डैडी ने भी पैसे देने से इनकार कर दिए। कहां से आएंगे 5 लाख रुपए? कहां से आएंगे? क्या बात है चाचा, आप सब लोग यहां? हम सब बहुत गरीब हैं बेटे। तुमने बस्ती में आकर जो हम पर प्यार की इतनी दौलत बांटी है, हर दिल तुम्हारी बहुत कदर करता है। ये हमारी तरफ से एक अखीर सा तोहफा है। लो। क्या है ये? अनीता बिटिया की मुसीबतों को दूर करने के लिए हम बस्ती वालों की एक छोटी सी कोशिश है बेटे। अपन कुल मिलाकर 55,000 इकट्ठा कर सका है। इसके सामने तो 55 करोड़ भी कोई कीमत नहीं रखते। आज आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि खून के रिश्ते से प्रेम का रिश्ता बहुत ऊंचा होता है, मजबूत होता है। ये रख लीजिए। लेकिन बेटे, आप ड्रग सेंटर की फिक्र मत कीजिए चाचा, मैं उसे उजड़ने नहीं दूंगा। मैडम, आपका माल तो कब से रेडी है, आप कभी भी आके डिलीवरी ले सकते हैं। जी हाँ। आपका प्रोप्राइटर? यस सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, मेरे पास कुछ हीरे हैं, मैं इनकी कीमत नहीं जानता, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन ये पत्थर भी तो हो सकते हैं, आप इनकी परख कर लीजिए। एक मिनट। राजू, तुम यहां? मैं वो 5 लाख रुपए, मैंने सोचा इतनी बड़ी दुकान है, मैं इनसे उधार मांग लूं। मैं राजू, तुम बड़े भोले हो राजू। ये बॉम्बे है, यहाँ एक बाप अपनी बेटी की मदद नहीं करता तो गैर क्या किसी की मदद करेगा। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? मैं, ये मेरी माँ के गहने हैं तो सोचा गिरवी रख के। गिरवी? कुछ नहीं अनीता, ये मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगा, रख दो इसे। देखो, सारी मुसीबतों का कारण मैं हूँ, रास्ता भी मैं ही निकालूंगा, रख दो। चलो आओ ना। सर, 5 लाख में सारे हीरे दे रहा था, जबकि एक हीरे की कीमत 20 लाख से ज्यादा है। ये तो रामगढ़ का हीरा है, इसका मतलब राजू वेटर ही महल से भागा हुआ युवराज है। क्या? राजू वेटर युवराज है? हाँ बेटे, तुमने अनीता की कमजोरी नहीं समझी, उसकी कमजोरी है सच्चाई।
वो ये नहीं जानती कि राजू वेटर ही महल से भागा हुआ रामगढ़ एस्टेट का युवराज है। आज इस हीरे से हम अनीता की मोहब्बत को नफरत में बदल देंगे। इस ड्रग सेंटर में आने के बाद जिंदगी में कुछ